असलम वेलकम टू अनदर एपिसोड आज की एपिसोड बहुत ही देर बाद हम एक दोबारा रिकॉर्ड करना करने लगे ले, और आज हमारे पास है एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत ही बिजी आदमी जिनको मैं पहले से तीन दफ़ा बुला चुका हूँ लेकिन अभी तक मतलब फाइनली अब मैंने क्रैक कर लिया उनको बुलाने कैसे तो टुडे वी हैव मोसन नसीम विद ही इज करंटली वर्किंग एज अ अव इंजीनियर मैंने मोसन को थ्रू आउट हज करियर बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम द फर्स्ट डे ही जॉइंट तब से देखा है आई ऑब्जर्व एंड सीन ग्रो इनटू वेरी uh, uh, engineers that इंजीनियर्स मेट आई थिंक के इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा लर्निंग होंगी उस हर इंसान के लिए जिसको जिसको लगता है कि क्यू इंजीनियरिंग उसके लिए है या फिर वो शोर नहीं है कि उनके लिए है के लिए तो इट इज़ अ फैंटासटिक अपॉर्चुनिटी फॉर एनी बडी जिसको लगता है कि यार मेरे लिए कोडिंग नहीं है लेकिन मैं फिर भी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या रिलेटेड चीज़ों के अंदर ही प्ले करना चाहता हूँ या इसके अंदर ही काम करना चाहता हूँ सो विदर्दर डू असल

उसके लिए पहले अंडरस्टैंड करना ही जरूरी है कि हाउ व यू एज अ स्टूडेंट बैक इन द डेज इफ यू कैन जस्ट वॉक मी थ्रू के यार uh, मैं मैट्रिक uh, से पहले इस तरह का स्टूडेंट था फिर मैं उसके वगैरह उसके वगैरह उसके बाद मतलब थिंग्स पैन आउट या टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ ना अनटिल मैट्रिक आई वॉज द टॉपर ऑफ माई सेक्शन लाइक अनटिल सेवंथ एट्थ नाइन्थ आई वॉज द फर्स्ट पोजिशन होल्डर फ्राम द स्कूल उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में uh, जो कि मेरा उस टाइम का एक ड्रीम था आ, वहाँ पे भी मे मुझे स्कॉलरशिप मिला और उसके बाद अंटिल अगर मैं आपको सच सच बताऊँ तो अनटिल सेकेंड ईयर मैं स्कॉलरशिप होल्डर था बहुत ब्राइट स्टूडेंट था हर जगह मैं टॉप किया और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होता रहा लेकिन जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ तो जो एक पाकिस्तान में होता है यूनिवर्सिटी की हवा लगती है बच्चा थोड़ा डी ट्रैक होता है तो उधर जाके मैं एक एवरेज सा स्टूडेंट बन गया शुरू के कुछ सेमेस्टर बीच में कुछ जाके मजीद ड्रॉप आया मैं सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हो गया और कुछ फुटबॉल और कुछ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ जिस वजह से मुझे जी पी पर बहुत हिट पड़ी लेकिन फिर कुछ थोड़ा सा सीखा सीनियर्स को देखा उधर से थोड़ी अकल आई तो उसके बाद जाके विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी मेरी पास हुई अगर मैं अकेला करता तो शायद मैं यूनिवर्सिटी पास अच्छा कर पाता तो यूनिवर्सिटी आपने पंजाब यूनिवर्सिटी राइट तो आई थिंक आई टी की डिग्री थी राइट यस राइट सो अच्छा पहले ब्रीफली मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी पी ओ सी आई टी राइट तो पी ई टी में आई टी एस सी और सी एस तीनों हैं इज ऐ करेक्ट तीनों में कितना फर्क है uh, अगर मैं कहूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के से परस्पेक्टिव से एक बंदा आई टी में एक सी एस में एस सी में तो क्या फ़र्क होगा जिस टाइम तक हम स्टूडेंट थे ना तो उस वक्त तक फर्स्ट सिक्स सेवन्थ सेमेस्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे सेवंथ एट्थ में जाके थोड़ा सा डिफरेंस आता था वो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पार्ट ली उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परली या इस तरह का कोई एक आधा कोर्स का रेफरेंस था लेकिन अदरवाइज सारा कुछ सेम था मॉडल सेम ही है फैकल्टी सेम थी कोर्सेज सेम थे स्केड्यूल सेम था ओवरऑल सब कुछ सेम ही था ठीक है सही है ऑलराइट right. तो सही है यूनिवर्सिटी में यू सेड के मतलब थिंग्स मतलब वहां पे वहां पे, पे वो एक ट्विस्ट आया लाइफ में अच्छा तो तो मतलब आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग के जीपीए शिप कितना था 2.8

अब बहुत जिसे कहते हैं ना सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हुए और उसके साथ बगैर पढ़ के ही ना थ्री पॉइंट फोर हिट हो गया अब वहाँ से बंदे का परसेप्शन बन जाता है कि यार मैं नहीं भी पढ़ूंगा मेट भी पास होंगे फाइनल भी पास होगा और मेरा जी अच्छा आ जाएगा तो शायद उस परसेप्शन के साथ जब सेकेंड सेमेस्टर में गए साथ ही हिट पड़ी एक सब्जेक्ट में एफ आया तो उसका फिर क्लियर किया लेकिन फिर उसके बाद ये आइडिया होना शुरू हो गया था कि नहीं यार इजी नहीं है लेकिन चीज़ें टफ होना शुरू हुई लेकिन फिर जाके एक फायर पढ़ने के बाद समझ आ चुकी थी कि नहीं यार और कुछ दोस्तों ने हेल्प की लाइक मैं अभी अगेन बताऊंगा कि अगर वो दोस्त ना होते साथ मेरे तो शायद मेरी डिग्री पूरी ना होती उनके साथ होस्टल में बैठ के रात को कोर्सेज पूरे करना असाइनमेंट्स करना प्रोजेक्ट्स करना तो उनकी वजह से ठीक है।, 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 है तो तो हाउ डिड यू डू एज यूनिवर्सिटी ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए बिल्कुल वो करेक्ट आंसर नहीं चाहिए ऑनेस्ट आंसर चाहिए लाइक अगर हम थेरी के हिसाब से देखें और प्रैक्टिकल चीज़ों में देखें ना तो शायद आपको बहुत अच्छा इंजीनियर तो मिल जाएगा लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स वो चीज़ें आपको वहाँ के स्टूडेंट्स में ना बहुत ज़्यादा मिस नज़र आएंगी उन्हें नहीं पता होगा कि लाइक बात किस तरह से करनी है लाइक एच इंटरव्यू में जा किस तरह से नील करना है किस जगह पर क्या आंसर करना है इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस होंगी दो वहाँ पर हमारे पास टीचर्स हैं जिन्होंने हमें कुछ सेमेस्टर्स में एक आधा कोर्स पढ़ाया इस चीज़ के ऊपर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग उसका कोई हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ अच्छा <laughs> तो ये सब कुछ हमने वो बाद में इंडस्ट्री में आके सीखा है लेकिन हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ सही तो ओवरऑल ठीक है मतलब ये कौन है उसके अलावा कोई और मेजर रेड लेकिन अगर नहीं? हम ये देखें ना कि अगर, अगर अपने टेक्निकल कोर्सेज की बात करें तो कुछ टीचर्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं लाइक वो बच्चों की बेस उनका करियर शेप कर देते हैं लेकिन जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं वहाँ पे कुछ जैसे विजिटिंग फैकल्टी लाइक रिसेंटली हम जैसे ही बच्चा जाके वहाँ पे पढ़ाना शुरू करते तो ऑब्वियसली बच्चा इंजीनियर अच्छा होगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक टीचर भी अच्छा हो होगा right. तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा मिस थी लाइक like, बहुत सारे जो मेरे साथ right. के स्टूडेंट्स थे उनका इंटरेस्ट शायद इसीलिए डिग्री से हटा और उन्होंने कुछ लोगों ने क्विट किया कुछ लोगों ने अपना करियर स्विच किया वो इस वजह से था कि उनको टीचर्स उनकी पसंद भी नहीं मिले लाइक right. like, वो एक होता है टीचर वो पूरी क्लास को साथ ले कर चलता एक होता है वो जस्ट टॉपर्स को पढ़ाता है और उनको लेके कर चलता तो कुछ सब्जेक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में हमें वहाँ पे इस तरह का एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा ठीक है सही है और फिर फीडबैक एनी थिंगट स्टैंड आउट फॉर पी एस सी आई टी लाइक वो आपको पता ही है लाइक इंडस्ट्री में अगर हम कंपेयर करें तो फास्ट नर्स और पी एस सी आई टी इनके बच्चे आपको हर जगह भी मिलेंगे टेक्निकली भी स्ट्रांग होंगे ठीक है बस ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाला फैक्टर आप शायद इंप्रूव होके लाइक काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं कॉलेज पूरा रीस्ट्रक्चर हो चुका हुआ है फैकेलेटी सारी चेंज हो चुकी भी है आ, कुछ ओल्ड फेसिस भी हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि आप शायद काफ़ी हद तक इंप्रूव कर चुके होंगे बोलो right. राइट ठीक है तो अगर किसी का एडमिशन आ जाता है तो रिकमेंडेड yes. है यस एब्सोल्युटली जबरदस्त ठीक है अच्छा तो यार मैं थोड़ा सा इसको स्विच करते हैं आ, सो लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ मैं अपने सिक्स सेमेस्टर में या सिक्स सेवन्थ एट सेमेस्टर मतलब मैं या तो मैं बस अभी छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं या फिर मेरा लास्ट ईयर स्टार्ट हो गया और मुझे अपना प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है मतलब शायद मुझे समझ नहीं आती या अगर मुझे समझ आती भी है तो मेरा दिल नहीं लगता है उस प्रोग्रामिंग में लेकिन मेरा इंटरेस्ट भी है सी एस या एसी में करियर बनाने का तो आई थिंक मैं मतलब मेरी नज़र मेरी नज़र में मतलब अहमद की नज़र में क्यूए इज काइंड ऑफ मतलब हैंड इन हैंड विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब जितनी जॉब्स डेवलपमेंट में हैं शायद उसकी हो सकता है कोई एटी परसेंट जॉब्स क्यूए में भी हों ठीक है और जहाँ पर भी थोड़ी सी भी रिस्पेक्टेबल सॉफ्टवेयर कंपनी है तो क्यू इंजीनियर्स का काफ़ी स्कोप है वहाँ पे मतलब इफ़ यू लुक एट कंपनीज़ जो 10-15 लोगों के साइज की हैं शायद वो क्यू के बगैर चल सकती हैं लेकिन एनी थिंग दैट गोज बियॉन्ड टेन टू फिफ्टीन वहाँ पर क्यू एस की ऑफकोर्स नीड होती है तो आई थिंक मतलब एक बहुत अच्छा एक एक, एक, एक मतलब कंटिन्यूसली ग्रोइंग करियर भी है उसमें आ, और उसकी उसकी इंपॉर्टेंस भी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं तो मैंने अगर ये फिगर आउट कर लिया कि मुझे प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है तो पहले तो मुझे बताओ कि What, what मुझे पता चल जाए यार हाँ, मेरा में, तो में इंटरेस्ट नहीं है ना अच्छा। तो शायद मैं यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा क्यूए बन जाऊँगा ठीक है तो हो सकता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री में बल्कि है भी ऐसा कि लोग डर के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ जाते हैं प्रोग्रामर ही बन सकता ठीक है तो उनको लगता है कि ये सेफ पैसेज है तरफ मूव हो जाते हैं और वो अपनी फील्ड में अपनी अपनी जगह पर सक्सेसफुल भी होंगे लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परसेप्शन के साथ ना हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की फील्ड में आना नहीं चाहिए आ, आप आ जाओगे आप अच्छी जॉब पे भी लग जाओगे लेकिन जिसे कहते हैं ना एक स्टैंड आउट प्लेयर या शाइन करना राइट right. शायद आप वो ना कर सको अपनी फील्ड के अंदर जिन लोगों को लगता है कि यार मुझे एवरेज लाइफ गुजारनी है मैं एक स्टेबल पाथ स्टेबल अर्निंग के साथ मैंने गुजारना है तो शायद वो इस अप्रोच के साथ सक्सेसफुल हो जाए लेकिन अगर उनको अपनी फील्ड के साथ या वो थोड़ा सा पैशन लेके नहीं ना फील्ड में एंटर होंगे या आप उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके नहीं आएंगे तो मेरा ख्याल है वो अपनी फील्ड में ना आउटसाइन नहीं कर सकते या स्टैंड आउट नहीं बन सकते अच्छा आई एम आई एम स्पीकिंग मोर टू वर्ड्स के अच्छा जरूरी नहीं है कि मतलब मैं डाउन प्ले नहीं कर रहा कि यार क्यू में जा रहे हैं तो वो वो वाला वो 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 बंदा है जो कि प्रोग्रामिंग में नहीं चल सका इसलिए यहाँ पे इट कुड अदर वे अराउंड एज वेल कि यार मैं क्यूए में मुझे क्यूए में नहीं समझ आती तो मैं प्रोग्रामिंग में चला जाता हूँ ठीक है मतलब आई अंडरस्टैंड कि जनरली लोग यही करते हैं यार डेवलपमेंट नहीं आती तो क्यू ए में चले जाते हैं लेकिन अगर किसी को नहीं आती असल में ठीक है लेकिन उसने जॉब भी तो करनी है तो क्यों उसके लिए बहुत अच्छा पात नहीं है अच्छा पात है और मेरा ख्याल है कि अगर अगर आप उसको अगर वो अपने ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर लेना तो अगर उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता वो के, तो मेरा ख्याल है उससे थोड़ा सा कम लाइक आप कहो एसेंट वो उस जगह आपने क्या कहते हैं तो आपको पता ही है तो ए प्लेयर पे भी आते हैं के हाँ। ए प्लेयर क्या होता है वो डेफिनेटली दैट इज हम उसको डेवलपर उससे ऊपर भी निकाल सकते हैं सैलरी वाइज लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है क्योंकि लोग मेरा ख्याल है सेफ पैसेज समझ के इधर आते हैं कि यार यहाँ पे हो जाएगी जॉब वो तो चल भी जाते हैं सैलरी भी अच्छी होती है तो प्रोग्रामिंग मुझे समझ नहीं आती लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ अपने करियर के बारे में एंड आई वॉन्ट टू शाइन इन माई करियर मैं बहुत सीरियस लेता हूँ आई टेक इट ऑल वेरी सीरियसली तो फिर मुझे क्या सवाल अपने आप से पूछने हैं या क्या टेस्ट से अपने आप को गुजारना है कि मुझे मुझे पता चल जाए यार हाँ क्यू ए में मेरा स्कोप है दो तीन पाथ बन जाते हैं अगर हम स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करें <coughs> आपने अपनी लाइफ आ, जस्ट एक एज अ टेस्टर आप एंटर होते हो और आप उसी बात पे चलना चाहते हो कि जस्ट आप एक नॉर्मल टेस्टिंग ही करना चाहते हो सारी उम्र की ठीक है तो आप वो एक टेस्टिंग की तरफ अच्छा मैं स्टूडेंट हूँ अभी ठीक है मैं एक स्टूडेंट तो उस 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 लिहाज से अगर इफ यू मी मैं सेमेस्टर में हूँ अगर हम स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो उस टाइम हमें यह पता होना चाहिए कि यार आ, अब तो एक बिल्कुल कॉमन चीज़ है हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्सेज आ गए हुए हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्योरेंस की पूरी डोमेन पता लगी हुई है तो वहाँ पे हमें एटलीस्ट इतना तो पता लग जाता है कि यार हमने मैनुअल टेस्टिंग की तरफ निकलना है ऑटोमेशन की तरफ निकलना है या हमने इधर से निकल के किसी मैनेजेरियल रोल में जाना है क्योंकि क्यूए वाला मोस्टली पाथ आपको पता है वो पी एम की तरफ निकल जाता है बाद में या रिलीज मैनेजर की तरफ निकल जाता है या मोस्टली कुछ लोग बिजनेस एनालिस्ट की तरफ स्विच कर जाते हैं क्योंकि उनके पास डोमेन होती है वो बिज़नेस के ऊपर थोड़ा बेहतर गाइड दे कर सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं तो कुछ क्यू को मैंने बिजनेस एनालिस्ट की तरफ स्विच होते भी देखा जबकि मेरा ख्याल है कुछ सॉफ्टवेयर हाउसिस में इसका प्रॉपर डिपार्टमेंट भी है कि वो क्यू से ही स्विच होकर वो बिजनेस एनालिस्ट का पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने बना लिया हुआ है तो उसको ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए कि यार मुझे मैनुअल की तरफ जाना है ऑटोमेशन की तरफ जाना है या मैंने क्या करना है स्टार्ट ऑब्वियसली ऑटोमेशन से मेरा नहीं ख्याल कोई डायरेक्ट स्टार्ट ले सकता है या ले भी लेगा तो उसके लिए जरूरी है कि उसे ना मैनुअली चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग या अपने जिस प्रोजेक्ट पे जिस एप्लीकेशन पे या जिस डोमेन पे वो काम कर रहा है उसे उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जब तक उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस का नहीं पता होगा तो हमारे पास उसकी ऑटोमेशन का भी मेरा ख्याल है आ, उतनी इफेक्ट कर लेगा वो लेकिन उतनी इफेक्टिवली एफिशेंटली नहीं कर सकता तो उसके लिए ज़रूरी है पहले तो वो सोचे कि यार मैंने मैनुअल की तरफ जाना है ऑटोमेशन की तरफ जाना है या किस तरफ मूव करना है फिर अगर उसने मैनुअल की तरफ आना है तो उसके लिए ऑब्वियसली वो सेवन सेमेस्टर या एट सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसके लिए उसको थेरेटिकल या बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करना चाहिए क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री में बात करें तो अगर आप एक फ्रेश हो और आप एक इंटरव्यू देने आ रहे हो और आपको बेसिक चीज़ों का नहीं पता फॉर एग्जांपल आपको क्वालिटी इंश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल इन चीज़ों में डिफ्रेंस का नहीं पता तो मेरा ख्याल है कि ये यह यहाँ पर यह आपको ना एक नेगेटिव इमेज आप इंटरव्यू में क्रिएट कर रहे हो तो यार एक फ्रेश बच्चा उसको बेसिक्स नहीं पता तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को ना थोड़ा सा देखना चाहिए और इसके बाद फिर इस पर फर्दर इंटरव्यू पैटर्न पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं तो जो हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बेसिक कोर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी होती है ना एक फ्रेश स्टूडेंट को मेरा ख्याल है वो क्लियर होनी चाहिए उस पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द फ्रेशर्स नहीं होना चाहिए राइट उसके बगैर आप मेरा नहीं ख्याल क्योंकि क्योंकि प्रोसेस हम जितना मर्जी कह लेंगे एक स्ट्रीम टाइम सब जगह पे सेम प्रोसेस है हर प्रोजेक्ट के अंदर हम कोई भी प्रोसेस मॉडल ले लें क्यों ए प्रोसेस आपको पता है एक एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिलीज़ प्रोसेस अलग होगा उसके लिए क्यूए साइकिल अलग चल रहा होगा एक वेब एप्लीकेशन के लिए अलग चल रहा होगा हो तो अनलेस हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे हमें पता हो कि हमने किस तरह से प्रोसेस को हैंडल करना है या कौन कौन से एस ओ पीज इंट्रोड्यूस करने अपनी रिलीजिस के लिए तो मेरा ख्याल है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता तो एज अ स्टूडेंट मैं मैं क्या मैं मैं कहाँ से ये सीख सकता हूँ कि बेसिक प्रोसेस क्या है और मेरे, मेरे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा मेरे से लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के पूरा एक <laughs> आ, आप कह लो कि अब तो यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एज अ कोर्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया है, है। मेरा ख्याल है फास्ट पी एस आई टी में जब हम पढ़ रहे थे तब भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस का एक कोर्स था उसके अंदर आपको थोड़ी सी ऑटोमेशन भी सिखा, सिखा देते हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा देते हैं तो उससे बंदे की अच्छी बेस बन जाती है अगर उसने उसको सीरियस लिया उस कोर्स को तो उसके बाद आपको वहाँ पे यूनिट टेस्ट लिखना सिखा देते हैं इंटीग्रेशन टेस्ट आपको थोड़ा सा लिखना आ जाता है जो कि आपको फर्दर इंडस्ट्री में आके बहुत हेल्प करता है और साथ साथ आपको कोई असाइनमेंट मिल जाती है कि आपने इन यूज या इन यूज केसेस के ऊपर आपने प्रॉपर टेस्ट प्लान या रिलीज डॉक्यूमेंट बना के लाना है तो उससे काफ़ी हेल्प हो सकती है ठीक है और अगर मैं मैं अगर स्टूडेंट ही हूँ मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर मेरा रोल क्या होना चाहिए अपनी टीम के अंदर अगर मैं मैं बिल्कुल अब अब इस ये लेट्स से अज्यूम करो कि यह पॉइंट आगे मैं शोर हूँ

रिक्वायरमेंट ट्रेसबिलिटी मैट्रिक्स है और जिस तरह की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की में यूज़ होती है तो हम वो वो कर सकते हैं वहाँ से आपको एक कैच मिल जाएगा कि लाइक किसी भी प्रोजेक्ट पे जाके आपको हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया होगा कि टेस्ट प्लान किस तरह से लिखना है इसके टेस्ट केसेस किस तरह से लिखने हैं है, या सीनरी कवर किस तरह से करना या रिक्वायरमेंट्स को मैप किस तरह से करना है तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट कर सकती है राइट हार टू जस्ट टू रीड तो टेस्टमेंट होना चाहिए टेस्ट प्लान आपको लिखना आना चाहिए मतलब ऑफकोर्स आप जब ग्रेजुएट कर जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर्स उनको भी ये चीजों का पता ही होता है थोड़ा बहुत ही पता होता है मतलब लिटरली ऐसा नहीं होता कि आप जाके आप कर लेंगे बट आई थिंक टेस्ट केस डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए टेस्ट प्लान का पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स का पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग का थोड़ा सा आइडिया हो टेस्ट केसेस मैनेजमेंट टूल्स का हमें पता होना चाहिए हाँ वो आप बता दो तीन चार टूल वो भी कर लेते हैं अभी विजिट आई थिंक उसके अलावा आई आई थिंक

लेकिन अगर हम करें तो टे टेस्ट रेल है हमारे पास। हम उसको किसी अपने टूल के साथ कर सकते हैं अपने के उसके साथ लिख सकते हैं। ताकि एक ही जगह पर तो, 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 सेंट्रलीड तो नहीं है ना ये सारा, स्टूडेंट right. के लिए मेरा ख्याल है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो अपने क्लियर कर लेना और एनालिटिकल स्किल्स और अटेंशन टू डिटेल्स ये अच्छा। दो चीज़ें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे इंप्रूव करें अगर उसने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना है तो मेरा ख्याल है कुछ आपको ना यूज़ यूज़ केसेस या केस स्टडीज लिखी होती हैं कि आपके फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है आ, कोई भी हम चैट एप्लीकेशन ले लेते हैं हाँ। कि हमने उसको टेस्ट करना है व्हाट्सएप व्हाट्सएप एग्जांपल ले लेते ले। हैं आप किसी से पूछें ना इवन कुछ एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछे ना वो आपको टेस्ट केसेस बताएंगे हमने मैसेज सेंड करके देखना है हमने मैसेज रिसीव करके देखना है। वो आपको तीन या चार टॉप लेवल के तो टेस्ट केसेज बता देंगे या, या यूज केस बता देंगे टेस्ट करना लेकिन फर्दर अगर हम इसको डाउन करें ना कि एप्लीकेशन डाउनलोड से लेके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फिर उसके बाद हमने देखना है कि हमारी डिवाइस के कॉन्टेक्ट जो थे वो सारे उसके अंदर इम्पोर्ट हो गए कि नहीं ऑटोमेटिकली तो होंगे तो ही एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी मैनुअली जाके कोई बंदा भी पाँच सौ कॉन्टैक्ट नहीं ऐड करेगा फिर आपने जिसको मैसेज भेजा वो उसको सेंड हुआ है कि नहीं अगर एक बहुत लेंथी मैसेज था वो एज अ सिंगल स्ट्रिंग गया है वो बिट्स एंड पीसीस में गया है टाइम्स ऑन डिफरेंस नेटवर्क कनेक्टिविटी ऐप के वर्जनिंग और इस तरह की चीज़ें वो इस तरह के सिनेरियोस हम चेक करने बैठे तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट की सारी चीज़ें कवर कर सके लेकिन अगर वो उन

बिटवीन यू एंड मी तो आई थिंक एक घंटा भी शायद गुजर जाए और एक घंटे के बाद भी हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टेस्ट केस फिर भी निकाल लेंगे राइट सो सो गेम आई थिंक सारी अटेंशन टू डिटेल की है और प्रटी मच मतलब प्रटी मच आई थिंक एक प्रो यूज़र मैंटेलिटी की है बेसिकली इसमें इस एक चीज़ में यहाँ पर एड करता हूँ कि लाइक एक चैट अप्लिकेशन है ना तो हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो बंदा या जो उसकी यूज़र बेस है ना उस एप्लीकेशन की उनके उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है उनके मसले क्या हो सकते हैं उनके मसले क्या हो सकते हैं फॉर एग्जांपल एक ऐसी एप्लीकेशन है कि वहाँ पे यूआई या यूज़र इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा तो हम उसके अपने यूआई के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर डेटा ऑरिएटेड काम है बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेटा पे किसी भी किस्म की कैलकुलेशन में मस्टेक नहीं हो सकती अब हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जाके यू के एशूज़ निकालेंगे ना

उसके टेस्ट केसेस बताना शुरू करता और वो फिर ख़त्म ही नहीं होता फिर उसको ब्रेक लगानी पड़ती इसमें एक चीज़ ये भी है कि ऑब्वियसली टेस्टिंग आप नहीं खत्म नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की तो मेरा एक पैटर्न ये होता है कि हमें ये करना चाहिए कि हमें ना प्रायोरिटी वाइज बताना चाहिए हमें इससे भी बच्चे का आइडिया हो जाता है यार उसके हिसाब से प्रायोरिटी में नंबर वन पे क्या चीज टेस्ट होनी चाहिए सेकंड प्रायोरिटी उसकी क्या है थर्ड प्रायोरिटी क्या है क्योंकि टेस्टिंग ऑब्वियसली आप खत्म नहीं कर सकते इतनी बड़ी एप्लीकेशन की तो अब अगर हम प्रायोरिटी वाइज नहीं टेस्टिंग करेंगे ना तो अपने या स्केजल को मीट नहीं कर सकते तो हमें प्रायोरिटी वाइज भी फीचर को लेके चलना चाहिए अपने कस्टमर बेस को समझना चाहिए बिजनेस डोमे ऑब्वियसली डेवलपर ने तो टेक्नोलॉजी सीख के उसको इंप्लीमेंट कर देना जो हमने उसे बताया लेकिन क्यूए के लिए जरूरी है उसके लिए डोमेन अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है एंड एंड यूजर यूजर के के कि उस वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी लाइक इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि यार हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है हुँ. कि यूज़र्स जो हैं वो कितने ट्वेंटी बीस साल से बड़े कितने हैं हाँ. उससे कम कितने हैं इस बेस के ऊपर हमें ना थोड़ा सा देखना चाहिए कि लाइक हमारे टेस्ट केसेस उस चीज़ को कवर अप कर रहे होंगे तो ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें मिस होती हैं लाइक कुछ जगहों पे फॉलो होती हैं इसलिए हम ना ओवरऑल किसी भी जगह पे कंसिस्टेंट प्रोसेस नहीं रख सकते मेरे ख्याल में कुछ जगहों पे होता है लाइक अगर आपकी एप्लीकेशन एक बहुत स्टेबल हो जाए एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए फिर आप एक बहुत ही स्लो मोड पर चल रहे होते हैं वहाँ पर आप अपना प्रोसेस सेम रख सकते हो हुँ. लेकिन जिन फास्टेस्ट प्रोजेक्ट पर इंडस्ट्री में काम हो रहा होता है कि लाइक डेली रिलीजेस जा रही हैं आपने डेली टेस्ट केसेस भी लिखने हैं उसको टेस्ट भी करना है फीचर लाइव भी करना है उस पर कोई बात भी नहीं आना चाहिए तो उसके लिए आप कंसिस्टेंट प्रोसेस नहीं रख सकते आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम फीचर टू फीचर या ऑडियंस देख के अपने प्रोसेसिस को ट्वीट करना चाहिए अनलेस हम ट्वीट नहीं करेंगे ना हमारे फीचर्स या हमारी रिलीजेस सक्सेसफुल नहीं हो सकती राइट राइट हाँ मतलब जस्ट अ डिस्कलेमर कि ये सारा बच्चे से एक फ्रेश स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल ठीक है लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉलेज दैट यू कैन प्रोबली यूज इन सम ऑफ योर इंटरव्यूज के मैंने मोहन भाई की वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने ये बताया तो मुझे ये पता तो आई थिंक दिस इज़ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन

क्यू इंजीनियर का ना इंटरव्यू शायद 80 परसेंट शायद सेवेंटी फाइव परसेंट थियरेटिकल होता है और 25 परसेंट जो होता है ना वो वहाँ पे एनालिटिकल एबिलिटी आ गया अटेंशन डिटेल आ गई रियल वर्ल्ड में सिनेरियोस देख रही क्योंकि अगर आप को पहले का 75 परसेंट आप क्लियर नहीं करोगे शायद आपसे ये वाले सवाल भी पूछे गए नहीं ठीक है कॉन्ट्री टू दैट अगर एक डिवेलपर है डिवेलपर का आई थिंक फ्लिप साइड कि यार परसेंट आपकी थियरेटिकल नॉलेज है सेवेंटी क्या होगा इंटरव्यू के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है यहीं पर एक एलगोजन देख दिया अभी अभी लिख दें यहीं पे एक बता दिया कि यार ये हमारा यूज केस है इसके आप लेट से डेटा स्ट्रक्चर्स बता दें या मुझे इसके क्लास डायग्राम या यूएमएल बना के दिखा दें या यहीं पे क्वेरी लिख देस की ये हम एक फ्रेश की बात कर रहे हैं तो हाँ फ्रेश के, 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 के लिए फ्रेश के लिए क्योंकि एक डेवलपर की के लिए एक्सपेक्टेशन यही है कि उसका प्रैक्टिकल चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कम्पेयर टू थोराटिकल बिल्कुल और क्यूए के लिए बिल्कुल फ्लिप है कि उसकी थियोरेटिकल स्ट्रॉग होनी चाहिए क्योंकि वो तो बेस बेयर मिनिमम है उसके बाद फिर ठीक है थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं डिस्कस करने में क्यू ए के फ्रेश के इंटरव्यू के अंदर किस नोयत के सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि आई थिंक ये क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बेतहाशा रिसोज हैं आपको मॉक इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे सो वेन यू टेक एन इंटरव्यू फॉर अ फ्रेश ग्रेजुएट तो मतलब मुझे मतलब एग्जैक्टली exactly ऑफकोर्स वो इंटरव्यू तो मे बी यू वे नॉट एलेंट लेकिन जनरली क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उस इंटरव्यू के अंदर लाइक like सबसे पहले ना एक तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है कि लाइक आप क्यूए ए के फील्ड में आ रहे हो क्यूए है क्या ठीक है क्वालिटी इश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस ये बुकिस डेफिनेशन है मेरा ख्याल है एटी परसेंट लोग इसको बता देते हैं कि ये है लेकिन अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप उसको कहो ना कि आप एक प्रोजेक्ट के अंदर हो आपको आ, इन दोनों कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो अंडर क्यूए आप कौन कौन से सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे अंडर क्यू सी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी यहाँ पे आके बच्चा ब्लैंक हो जाता है उसे पता ही नहीं होता कि क्यूए के अंदर हमने क्या करना है कि एक्चुअल टेस्टिंग जो हम कर रहे होते हैं टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं बैठ के वो किस अमरीला के अंडर आते हैं राइट right. वो तो ये चीज़ें बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए ठीक है फिर इसके बाद वेरीफिकेशन वेलीडेशन लेवल ऑफ टेस्टिंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग ठीक है उसमें फिर आगे से एक बहुत लंबी लिस्ट निकल जाती है तो ये ये चीज़ें पता होनी चाहिए एक्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि फिर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा फिर सारे कि नहीं मेरा इंटरव्यू पैटर्न ऑलरेडी लीक है ठीक है सही है फिर भी क्लियर हो जाता है अच्छा है, तो है, ठीक <laughs> है सही है और आई थिंक के एक और चीज़ जो मैं ऐड करूंगा वो ये कि यार आई थिंक क्यूएस के लिए ना कम्युनिकेशन और आई थिंक प्रोडक्ट एम्पथी और आई थिंक मोर सो इंटरनली टीम के अंदर भी कम्युनिकेशन मतलब जस्ट बीइंग समबडी हु कैन जस्ट गेट द पॉइंट अक्रॉस इजीली आई थिंक ये चीज़ें कंपेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर को आपने टिकट दे दिया उसने टिकट कर दिया और उसने टिकट करके अपना काम कर दिया उसके बाद हो सकता है कि कम्युनिकेशन जरूरी ना क्यू के लिए ये चीज़ भी साइलेंटली आप देख रहे होते हो इंटरव्यूज में राइट बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि हम एक फ्रंट फेस होते हैं हमें रिलीज रुकवानी है या भिजवानी है अब अगर हमें रिलीज रुकवानी है हमारे पास उसका सॉलिड रीजन होना चाहिए ये भी नहीं होना चाहिए कि पूरी टीम का का बस कि पूरी टीम कर यार इनकी वजह से नहीं जा रहा हाँ। तो एक चीज है बहुत होती है कि यार हमने ज्यादा से ज्यादा बाग्स निकालने हमने रिलीज स्टॉप करानी है ठीक हाँ। है इससे हमारा हम शाइन कर चाहिए। 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 नाम <laughs> हम शाइन शाइन कर कर नाम होगा तो लाइक ये बहुत बड़ी ना मिसकनश्शन है लाइक मुझे मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई लाइक आरबी आके लाइक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एज मिलता है मेरे सीनियर्स से कि उन्होंने ना टीम के अंदर कल्चर इस तरह से रखा हमने लाइक इस तरह से डिस्टिंगश नहीं किया कि ये डिवेलपर है ये क्यों है लाइक हमारा एक अल्टीमेट गोल होता था कि यार हमने इस रिलीज़ को सक्सेसफुल करना है तो इसमें हमारे पास ना प्रायोरिटीज़ ये हैं कि इस चीज़ के ऊपर ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ठीक है अब उससे रिलेटेड जितने मर्जी इश्यूज़ आए ठीक है वो हमें रिपोर्ट भी करने हैं ठीक है और नॉट जस्ट इंटरनल टीम हमने क्लाइंट को भी बताना है ठीक है और क्लाइंट को बैड पिक्चर भी नहीं पोट्रे करनी कि यार हम रिलीज़ नहीं भेज सकेंगे

कि नॉट वर्किंग ब्लॉक अनएबल टू कम्प्लीट फ्लो इस तरह के कुछ ये और ये मेरा ख्याल है ये रेड फ्लैग क्रिएट कर देता है अगले के लिए कि यार पैनिक क्रिएट करता है टीम के अंदर इन्वायरमेंट खराब करता है और ऑब्वियसली अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो भी आपका इमेज फिर अच्छा क्लियर नहीं हाँ, होता right. कि यार ये डेवलपर जो है ये तो बागली रहा है इस तरह right. और फिर ऑब्वियसली टीम का इन्वायरमेंट खराब होता है तो इसके लिए ज़रूरी है मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन बहुत ही मेरा ख्याल है मैटर करती है कि आपने शुगर कोटेड वे में इतना कम्युनिकेट करना है कि क्लाइंट को पता हो कि रियल पिक्चर क्या चल रही है टीम भी ऑफेंड हो हमारा काम भी सक्सेसफुल हो जाए और सब चीज़ें हम मीट भी करें और जस्ट टू तो बी क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी लिखना नहीं है इट इज इट इज के यू आप अगले बंदे को एग्जैक्टली exactly वो समझा पाएं अंडरस्टैंड बिजनेस कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस कि यार इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इस चीज़ पर हमें मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है इस चीज़ पर हम नहीं करेंगे उसके लिए हमें बताओ कि हमने किस तरह से मिल के काम कर लें तो ये चीज़ है वो इंग्लिश में हो सकती है वो आप जिस भी क्लाइंट के उदूम में भी किस तरह से भी कर सकते हैं yeah, अच्छा, तो आई थिंक हाँ नेचुरली द कन्वर्सेशन इज टेकिंग अ टर्न वर्ड्स के यार ठीक है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट मुझे ये चीज़ें करनी है टू सी के यार मेरा इसमें इंटरेस्ट हो सकता है कि नहीं एंड देन अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे मुझे ये ये सारी चीज़ें आनी चाहिए टू क्रैक मोस्ट वाइज इंटरव्यू ठीक है तो आई थिंक इट इज़ नाउ टेकिंग अ वेरी ऑर्गेनिक टर्न टू वर्ड्स कि यार पहली जॉब मिल गई मुझे ठीक है मैंने कर ली है एक जगह से इंटरव्यू क्लियर और मुझे अब छः महीने हो गए मुझे एंड आई एम परमानेंट आई एम गेटिंग रीजनलबल आउट सैलरी दैट आई शुड फॉर माई एक्सपीरियंस लेकिन अब मुझे ना यहाँ से ये तो मैंने जीरो टू वन आ गया हूँ मैं अपने वन से टेन तक और टेन 10 से हंड्रेड तक कैसे जाना आई थिंक वी कैन स्पेंड द नेक्स्ट डेट से फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स टू डिस्कस दिस कि गॉट गॉट यू 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 मतलब टू 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 अ जॉब ऑल गुड हाउ डिड गो फ्रॉम एंड सबसे पहले तो हमने ना जाते साथ हमने पहले अपने प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ली डोमेन ली कि यार हमने टेस्ट किस तरह से करना है टेस्टिंग हमने स्टार्ट की हमें ना उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की हमारे प्रोसेस के अंदर ना क्या चीज़ें गलत हो है प्रोसेस है? क्या होता है लाइक like, हमने जब टिकट हमारे पास किसी इन्वायरमेंट पे टेस्ट होने के लिए आई है Uh, उसके टेस्ट केसेस हम पहले लिख रहे हैं बाद में लिख रहे हैं ठीक है क्या टेस्ट केसेस का रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है uh, वो किस पैटर्न पे लिखे जा रहे हैं अक्रॉस द प्रोजेक्ट वो कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं तो का प्रोसेस ठीक है और हम फिर रिग्रेशन कितनी दफ़ा कर रहे हैं स्मोक टेस्ट में क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं हमारी चेकलिस्ट अपडेटेड है कि ठीक right. है uh, ये चीज़ें हमने टेस्टिंग में एक दफाइंडर हो गई वो चीज़ें कर ली फिर अपने करंट प्रोसेस में जो भी रिलीज साइकिल किसी भी प्रोजेक्ट का चल रहा है ऑब्वियसली वो, वो परफेक्ट नहीं होता उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है तो फिर बंदा उसको देखना शुरू करे कि यार ये चीज मैं एक हफ्ते में कर रहा हूँ अब इसको मैं मिनिमाइज किस तरह से कर सकता हूँ तीन, 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 तीन दिन में कैसे करूँ

वो अपने ही काम को एक थर्ड पर्सन के एंगल से देखना और उसको ऑब्जर्व करके उसमें बॉटल नेक्स निकालना उसमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करना राइट एब्सोल्युटली जब आप ये वाली चीज़ करना शुरू करते हो ना तो आपको थोड़ा सा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लर्न करने को मिलता है आपको उसके लिए डिफरेंट मेरा ख्याल है कोई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि लाइक आपने ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है कि यार हमने ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट करनी थी या हमने ऑटोमेशन नहीं इम्प्लीमेंट करनी थी हमने बाकी रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कर ली अपने अंदर अपने प्रोसेस के अंदर कि लाइक हमने वीकली कितने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए कितने परसेंट फेल हो रहे थे किस फीचर के फेल हो रहे थे उसको हमने कवर अप करने के लिए लाइक अपने प्रोसेस में क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की कौन बंदा इस चीज़ को कवर अप करेगा कि लाइक जब भी कोई नई रिलीज़ आएगी इस एरिया के ऊपर हमारे पास एक डेजिग्नेटेड पर्सन होगा ये वाले टेस्ट केसेस हम लाजमी चेक करेंगे राइट right. ठीक है इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है अगर हम करना शुरू करें प्रोसेस के अंदर जो कि करनी भी चाहिए करते भी हैं कुछ जगहों पर लेकिन मेरा ख्याल है फिर इस लेवल पे कंट्रीब्यूशन बंदे को सोचना चाहिए कि अब वो अपने से हट के ओवरऑल टीम की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन uh, uh, करना शुरू करें और उसके बाद वो देखे कि यार uh, जो हमारा रिलीज प्रोसेस था जहाँ हम पहले पाँच दिन ले रहे थे एक रिलीज़ कवर करने के लिए क्या अब हम तीन दिन में कर सकते हैं राइट right. तो अगर मैं ये ना करना चाहूँ मैं कहूँगी जी नहीं मैं टेस्टिंग ही करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा बग रिपोर्ट करूँगा तो उस बात का ग्रोथ पैटर्न वर्सेस द वन दैट यू आर टेलिंग इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया यार तकरीबन सेम ही होगा मैं कहता तो कहते यार मैं ना नहीं मैं ना ये जूम आउट नहीं कर सकता सॉरी मैं ये प्रोसेस इम्प्रूव मुझे समझ नहीं आती मैं ना बस बग पे बग रिपोर्ट करूँगा तो मेरी ग्रोथ कैसी होगी लाइक आप एक एप्लीकेशन में किस लाइक हाई प्रायोरिटी बक्स कितने को रिपोर्ट कर सकते हो लाइक आप छः महीने ये काम कर लोगे ठीक है आपने बग्स पे बाग रिपोर्ट कर लिए लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद जाके आपको नजर आएगा कि यार हाई प्रायोरिटी बक्स तो ख़त्म हो गए अब आप जोन से बाग निकालोगे भी वो स्प्रिंट में प्रायोरिटाइज नहीं हो रहे होंगे या वो किसी जगह पे नहीं आ रहे होंगे तो मेरा ख्याल है बंदा खुद ही उस चीज़ से के साथ साथ ना आप आपकी यूटिलिटी सच कम होती है प्लेटो होती जाएगी फिर आप ना वैल्यू क्रिएट कर रहे होंगे टीम के लिए ठीक है ऑब्वियसली एक फ्रेश से तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टेस्टिंग करे लेकिन एक बंदा दो साल हो गए उसको टीम के अंदर अब वो अभी भी वो कहता है कि यार मैंने सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो मेरे लिए वो वैल्यू क्रिएट करे या एक फ्रेश बच्चा टीम में आके भी वही काम करे तो मेरे लिए वो दोनों बराबर हो जाते हैं राइट फिर यहाँ पे आगे आपको हिट पड़ना शुरू हो जाती है कि यार एक फ्रेश भी वही काम कर रहा है एक दो साल वाला भी वही काम कर रहा है तो फिर बंदे के अंदर खुद ही फील होती है कि नहीं यार मुझे मुझे अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करना मेरे से एक्सपेक्टेशन ये है कि यार प्रोजेक्ट की इम्प्रूवमेंट हो प्रोजेक्ट से निकल के दूसरी डोमेन का मुझे पता हो कम्पेटिटर्स में क्या चल रहा है वो मुझे पता हो Across the teams, आप दू, 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 दूसरी जो टीम्स होती हैं उनको आउट करना शुरू करो। इस इस तरह फिर बंदा नहीं Otherwise फिर नहीं आप value creation आपकी एक certain level के टारगेट थाउटशाइन करना है मैंने पैसे ज्यादा कमाने हैं ये करना है आपका comparison, comparison अगर तो आप और फिर एक जाके पैसों को बताया पैसे कितने कमा सकते हैं लाइक like आपको पता ही है लाइक like मैंने शुरू में बताया कि अगर तो आपने आउटशाइन करना है अपनी फील्ड के अंदर तो आप हो सकता है कि आप एक अच्छे एवरेज डेवलपर से या एक टॉप के डिवेलपर जितना ही जॉइन कर रहे हो राइट right. और लेकिन डी है मतलब आप डू यू नो इनाफ पीपल येस जो क्यू ए में शाइन करके डिवेलपर के एटी परसेंट तक पहुँचे वहाँ Yeah, 90 या नाइन्टी परसेंट या हंड्रेड परसेंट तक भी पहुँचे तो हो सकता है हंड्रेड टेन परसेंट भी हो कुछ अच्छा हो, हो।, हो सकता oh, हो, हो, है इसी कमरे में हो सकता ठीक है सही और राइट गुड ग्रेट टू हेयर डेट अच्छा तो मैं फ्रेश तो फ्रेश पे आते हैं थोड़ा सा दोबारा से बस मैं आई थिंक ये काफ़ी फ्रेश ग्रेजुएट का सवाल होता है कि यार, मैं फ्रेश ग्रेजुएट अगर क्यूए में जाता तो मुझे मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ लाइक अगर मैं दो like, हज़ार बाईस में दो हजार तेईस में एज अ फ्रेश ग्रेजुएट मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता लाइक अगर मैं आपको दो हज़ार इससे पीछे लेके लेकर ना जब मैं ग्रेजुएट हुआ उस टाइम फ्रेश क्यूए को मिलता था टॉप के सॉफ्टवेयर हाउस में फोर्टी फोर्टी फाइव के डिवेलपर की रेंज होती थी या सिक्सटी के लेकिन अब अगर हम कंपैरिजन करें ना तो आ, अगर आप एक फ्रेश क्यूए का कंपैरिजन करो तो वो इजीली हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड ट्वेंटी पे लेता ले ले एक अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस अच्छा इवन नाम ही मिले था लेकिन ओवर हंड्रेड के आपको इजीली फ्रेश क्यूए ग्रेजुएट होते ही

लेकिन एक हो सकता है कि बड़ी कंपनी आपको हायर करे वो आपको पैकेज कम दे दे लेकिन आपका वो पैकेज ओवरऑल कंपनसेशन वाइज इस तरह से बना दे आप, 150, 160 तो कि आप वन फिफ्टी वन सिक्सटी क्रॉस कर जाए तो लाइक बहुत ज़्यादा लाइक इसका जो है ना इस टाइम हमारे पास डाटा ओरिएंटेड या डाटा सेट इस तरह से अवेलेबल नहीं है But... जो कि आपको पता है कि हर एचआर में भी ये इस टाइम प्रॉब्लम है कि लाइक हम किस तरह से करें लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को यही कहूँगा कि लाइक अभी के लिए अगर आप एक अच्छे या अबव एवरेज हो ना तो आप एटी नाइनटी ओवर हंड्रेड के जा सकते हो क्यों के अंदर

की लेकिन भी और डॉलर रेट भी, भी वक्त तो, जिस, जिस लिखा गया था वो तभी बहुत आउटडेटेड था लाइक like, उनका डेटा पॉइंट मुझे नहीं सॉफ्टवेयर हाउसिस का था लेकिन जब हमने अपना रिव्यूज देखे या जब हम अपना केस डिस्कस करते थे तो ऑब्वियसली हमारे पास वही पॉइंट होता था हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता था कि लाइक ये बहुत कम है हमारे पास डेटा सेट आता था कि ये एवरेज सैलरी है लेकिन ऑब्वियसली अपने आप को अगर एक बंदा एवरेज ही रखना चाहता है तो वो अपना एवरेज से कंपैरिजन करे लेकिन अगर आपने अपनी फील्ड के अंदर काम करना है आपने बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करना है और आपको पता है कि यार मैं आउटशाइन कर सकता तो हूँ फिर आपका कंपैरिजन भी बाहर वालों से होना चाहिए आ, तो इस स्किल्स में भी ऑब्वियसली कंपेरिजन हाँ, फिर एप्पल टू तो एप्पल होना चाहिए स्किल्स कम्युनिकेशन टेक्निकल और हर चीज के अंदर फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार आप टॉप फाइव परसेंट वाली

वो क्या हैबिट्स हैं वो क्या ट्रेड्स हैं दैट यू सीन के आर देट देट है बहुत अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें या जो सक्सेसफुल है उनकी क्या हैबिट्स हैं ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ना ये चेंज होती रही है लाइक जब हम स्टूडेंट थे तब हमारे अंदर किसी और तरह की हैबिट्स थी अब आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ी सी और तरह की एक कॉमन चीज़ तो ये है कि आपको आ, एक तो पैशन होना चाहिए जो काम करना है ना तो आप नाइन टू फाइव काम करके एक एवरेज आउटपुट तो प्रोड्यूस करते हो लेकिन अगर आपने एक को टच करना है या टॉप ऑफ बार जाना है तो आप नाइन टू फाइव कभी भी नहीं कर सकते कोई जितना मर्जी कह ले कि यार हमें एक अगर आपने अपने सर्टन तो तो थ्रेश को अचीव करना है ना कि यार मैंने आउटलायर बनना है यार्लायर हाँ तो वो आपको अपने आ, कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा उसके लिए आपको नाइट्रेस भी लगाने पड़ेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आपको आ, वो जो कंफर्ट जोन होता है ना कि लाइक नाइन टू टेन नाइन नाइन टू फाइव टन टू सेवन वाली जॉब फॉलो करनी है तो वो उससे आपको बिल्कुल हटना पड़ेगा उसके लिए आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी चीज़ों की और उसके लिए फिर जब आपको लर्निंग करनी पड़ेगी राइट इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है तो एक तो ये चीज़ है इस इसमें जो है ना लाइक और दूसरा ये है कि हमें ऑनरशिप लाजमी लेनी चाहिए लाइक इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूँ कि लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे रिलीजेस गई हैं एक हमारे पास आउट आ गई है तो अब आउटसाइड द ऑफिस आर्स अगर आपको कॉल आती है कि यार ये काम मैंने करना है डाउन हो गई प्रोडक्शन डाउन हो गई है और ये क्यू के लिए नॉर्मल रूटीन है मेरा ख़्याल है उसकी आधी जिंदगी गुजरी है कि वेबसाइट डाउन है सबसे पहली कॉल आपको आनी है कि ये क्या इशू आया किस वजह से आया तो पहले अगर अब... सबसे पहली कॉल आपको आ रही है तो इसका मतलब आप कुछ सही कर रहे हैं ऐसे ही है अच्छा ठीक है हाँ. अगर हमारे पास कॉल आती है रात को कि यार प्रोडक्शन डाउन हो गई है होगी अब... बजे कॉल आई है कभी आपको हाँ दो दो बजे तक तो आई है दो अच्छा ठीक है और स्टार्ट के दिनों में रिजान भाई के है तो रिजवान भाई इफ यू डोंट नो तो मैं इधर लिंक इधर लिंक डाल दूंगा तो उनके साथ पॉडकास्ट अगर आपने सुननी है तो आप सुन सकते हैं डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डार्कोट लाइक अमेजिंग गाइज <laughs> मैंटॉर लाइक उन यहाँ तक पहुँचने में लाइक बहुत से लाइक आपका आपको भी आइडिया आपके भी मैंटॉर है मेरे भी मैंटॉर है तो लाइक आपको कॉल आती है कि यार ये इशू है अब इसको हमने फ़िक्स करना है अब कुछ लोग होंगे इससे फ्रस्ट्रेट होते हैं ठीक है कि यार अब तो मेरा काम नहीं है भाई like, कैसे बहुत से बनते हैं तो आ आ, कि मैं घर आ गया मैं अब ऑफिस का काम नहीं करता ठीक है ऑफिस आवर्स के अलावा मैं नहीं करता बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं आपकी अपनी टीम की एग्जिट हो जाते हैं फिर तो इस इसको देख के ना लाइक ये वाली साइकी तो हमें पहले ख़त्म कर लेनी चाहिए कि अगर आप एक जगह पे आ गए हो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर टाइम मैटर नहीं करता वो सुबह व शाम हो आपको ऑनरशिप लेनी है अनलेस इंडस्ट्री भी ऐसी है ना कि चौबीस घंटे चलनी सर्वर चलना है चौबीस घंटे अगर किसी भी टाइम कर रहे हैं आप रिटेल में काम कर रहे हैं अगर तो अगर सुबह नौ बजे दुकान खोलनी है और रात को दस बजे बंद करनी है तो रात को दस से सुबह नौ तक बंद है दुकान कुछ भी नहीं है लेकिन आई थिंक इंडस्ट्री की नौयत ही है कि ऐप चौबीस घंटे चलनी है तो आपने भी चौबे चलना अब इसके लिए बंदा अपने अपने आप को या अपनी टीम को रिलैक्स इस तरह से कर सकता है कि लाइक बंदा रोल रख लेता है कि यार ये वीक जो है ना ये बंदा अवेलेबल होगा इन कामों के लिए ठीक है तो अब उसमें उसका फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं ये वाला काम मुझे किसी भी टाइम उसके पास इंटरनेट या लैपटॉप अवेलेबल होना चाहिए ठीक है और वो उसको देखे और ऑनरशिप ले कर देखे कि नहीं यार ये मेरा फेलियर है ये प्रोजेक्ट का फेलियर या उसको किसी और का नुकसान नहीं होगा मेरा अपना नुकसान होगा अगर इसकी वजह से कोई रेवेन्यू स्ट्रीम या कोई चीज़ हिट करती है लेकिन आजकल जो चीज़ मिस होती है कि लाइक एक एग्जाम्पल है कि लाइक तीन महीने एक बंदा लेट सेटिंग कोई नहीं करता उसको कोई कॉल नहीं आती दो दिन कंजेक्टिवली उसको आठ के नौ बजे तक बैठना पड़ जाता है उसको अगले दिन चेकिंग करके अपनी लीड को कम्युनिकेट कर देता है कि यार मेरी लेट सेटिंग्स हो रही है right. वो ये नहीं देखेगा कि पिछले तीन महीने उसने चार घंटे पाँच घंटे काम किया दिन में

उसको लेट से यार रिलीज नोट्स बनाना उसको पसंद नहीं है आपको यार आप छोड़ दें रिलीज नोट्स ना आज से मैं बनाऊंगा ठीक है आपने ये ले लिया एक दो हफ्ते बाद आप गए आपने कहा उसने कहा यार कि मुझे ना ये रोज़ के ना स्टैंड अप के मिनट्स और मीटिंग फॉर एग्जाम्पल बनाने पसंद नहीं है आपने यार आप बताएं मैं मोहसन भाई आप बताएं आपको सबसे जहर काम क्या लगता है अपनी जॉब के बारे में यू आज दन दैट एंड यू टेक इट ऑफ देयर प्लेट क्योंकि आपका टीम लीड आपको ना क्यों कहेगा यार ये काम मैं कर रहा हूँ मुझे ज़हर लगता है तो ये करने तो सही है फिट है अगर हम इस चीज़ के ये नहीं अगर हम स्टेप अप ही नहीं करते लाइक like अपने कंफर्ट जोन में काम करने तो फिर वही बात है एक छः साल वाला इंजीनियर एक फ्रेश वाला इंजीनियर जो कि लिटरली अगर बात करूँ कि लाइक like, बहुत से प्रोजेक्ट्स में मैंने देखा है एक छः सात साल वाला इंजीनियर और ये दोनों तरफ है ये डेवलपर में भी है क्यूए में हुँ. भी है कि वो छः साल वाला और वो दो साल वाला ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बीट कर जाता है बहुत सी जगहों पे एक्सपीरियंस में काम आता है

और ये चीज़ कॉमन है टीम लीड्स पोजीशन लेवल पे बात करें कुछ भी ग्रोथ के लिए सो सो एग्जांपल देता हूँ so, मुझे लगता है कि रिलायबिलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल ठीक है ओनरशिप आपने बताया ओनरशिप इज अबाउट के यार आपको कोई चीज मिल गई है ना मैं इसको इस तरह डिफाइन करता हूँ आपको कोई चीज मिल गई है ना तो उसको वहां से लेके उसके पाए तकमील तक पहुंचाना आपका काम है रस्ते में आंधी आ रही तूफान आ रहा है बिजली गिर रही है वो 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 आपको आपका मसला है दैट इज वट आई कॉल ओनरशिप रिलायबिलिटी में मेरा रिलायबिलिटी से मेरा मुराद ये है कि मुझे यकीन हो कि के यार के, के आज है या आज से तीन दिन बाद है रात के तीन बजे है सुबह है कभी भी है तो दिस पर्सन हैज़ माय बैक कि मैंने अगर उसको ये कह दिया ना यार और उसने मुझे कह दिया यार कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो आई शुड बी एबल टू ट्रस्ट के एनी टाइम मैन आई नीड दिस पर्सन थिंक रिलायबिलिटी एक चीज़ है जो कि कॉमन uh, but... मैंने देखी लोगों के अंदर

आई गेस लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तीन चार चीज़ें हैं लाइक ऑनरशिप रिलाईबिलिटी पैशन थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल्स ये तीन चार चीज़ें जिसमें हो मेरा ख्याल है कि वो आउटशाइन कर सकता है अच्छा पास्तान में ना खास पाकिस्तान के करियर के अंदर आई थिंक कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज अ वेरी गुड रोल राइट कि लेट्स एर इन अ टीम वेयर यू एंड थ्री अदर पीपल आर एट द सेम लेट्स टेक्निकल कॉम्पिटेंसी लेवल ठीक है लेकिन यू आर द वन जो के लोगों के साथ हु हु हाउ टू हाउ टू स्मॉल टॉक हु नोज हाउ टू मेक फ्रेंड्स हु नोज हाउ टू जस्ट डू स्मॉल टॉक विद द कस्टमर कि यार अच्छा मेरी क्रिसमस आप बताएँ क्या हॉलीडेज कैसे रहे आपकी ठीक है मे बी मे बी दैट हेल्प्स यू आउटशाइन एज वेल तो आई थिंक कम्युनिकेशन एक चीज है सिमिलर नॉट अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन आप ना अपनी सराउंडिंग से भी बहुत सीखते हो लाइक अगर आपकी अगर जिस बंदे में हैबिट्स है ना कि वो अपने सीनियर्स से सीखता लाइक वो जिस कंपनी में बैठा है हाँ ये ये अच्छे हो जाए कि हमारे पास एक दस साल एक्सपीरियंस वाला बंदा मेरे साथ है और मैं अभी दो साल हुए टीम में आया हूँ आप उसे वो चीज़ सीख सकते हो जो वो दस साल में जहाँ पे पहुंचा है वो आपको पहले साल में सारी नहीं भी तो आपको वो चीज़ें सिखा सकते हैं है। आप उसको टेक्निकल चीज़ें छोड़ दो आपको वो दूसरी चीज़ें एथिक्स अगर उससे वो आपको चीज़ें सिखा देगा जो कि आपके बहुत काम आएंगे उस टाइम शायद हमें मैटर नहीं करता कि यार ये क्या कर रहा है किस तरह से लेकिन वो अनसंग हीरो वाला रोल प्ले कर रहे होते हैं वो सीनियर टीम में कि लाइक उन्होंने टीम इन्वायरमेंट बना लिया लेकिन इसके लिए ये भी है अगले बंदे को भी होना चाहिए कि यार मैंने इनसे कुछ सीखा है ठीक है लाइक मैं इस चीज़ पर अपनी एग्ज़ैम्पल लूँ तो मैंने इस चीज़ से बहुत सीखा यूनिवर्सिटी में सीनियर्स आ, तो उनसे बहुत सीखा है कि यार ये करियर पाथ हो सकता है इधर जाना चाहिए इधर जा सकते हैं ये करना चाहिए उससे हट के अगर मैं इंडस्ट्री में बात करूं तो वो भी लाइक यू नो द सीनियर्स कौन कौन है किस किसने हेल्प किया लाइक उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका अगर शायद वो ना होते तो शायद मैं भी लाइक

के मतलब जस्ट लाइक यू एंड पीपल लाइक यू वैन यू ज्वाइन वैन यू ग्रेजुएटेड जब तुमने ज्वाइन किया था तुमने सोचा भी नहीं होगा यार पाँच साल में मैं याद रखा बट ये वो रोज़ की थोड़ी 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 कंसिस्टेंट एफर्ट्स एवरी डे वो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हैं इसके पीछे विच टू दिस प्लेस रियली होप कि यू लर्न फ्रॉम दिस एंड यू टेक इट मतलब यू यू थिंक अबाउट दिस वेरी सीरियसली अच्छा मोजिन अगर किसी ने आपसे कोई हेल्प लेनी हो तो क्या वो रीच आउट कर सकते हैं आपको yes, कैसे कर सकते हैं पे कर लें मोसिन नसीम के नाम से सो ओकेट लिंक टू योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन तो इफ़ समीट्स इन टच विद हिम आस्क फॉर एनी हेल्प देयर एंड विद डट मोजिन एनी यू वॉन्ट टू जस्ट शेयर विद पीपल आई थिंक अबाउट रफली एलेवन पीपल माइट बी लिसनिंग टू योर राइट नाउ तो एनी यू वॉन्ट टू शेयर विच यू थाट क्या मुझे किसी ने बता दी होती जब मैं छोटा था तो शायद मेरे बड़े काम आती लाइक like यूनिवर्सिटी में ही अपने करियर पाथ को ना हमें सोच लेना चाहिए लाइक like मुझे लगता है कि अगर मैंने अपने करियर पाथ को कुछ साल पहले सोच लिया होता ना कि मैंने इस पाथ पर आना तो शायद मैं अभी जिस जगह पे अब हूँ शायद मैं दो साल पहले इस जगह पर पहुँच चुका होता लाइक like वो जो पाथ है ना जो हमने इस्टेब्लिश करने की यार मैंने इस पाथ पर चलना है या अपना करियर इस तरफ रखना है वो ऑबियसली ये नहीं है कि मैं सेटिसफाई नहीं हूँ अपनी पोजीशन पर या इस जगह पर लेकिन वो वो चीज़ है कैसे हो सकती है कि अगर मुझे पता होता कि यार ये पाथ है या यूनिवर्सिटी में ये, मैं ये चीज़ करके निकलता तो मुझे इंडस्ट्री में उस टाइम इतना नॉलेज होता तो मैं ये चीज़ शायद पहले कर सकता तो लाइक मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स को इस तरफ सोचना चाहिए कि उन्होंने किस पाथ पे आना है उसके लिए क्या रहा? लेकिन अब तो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है लाइक उस टाइम तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेस के रिक्रूटमेंट ड्राइव्स यूट्यूब चैनल्स ट्यूटोरियल्स पॉडकास्ट उस टाइम पे इतने कॉमन नहीं थे जितने आप हैं तो मेरा ख्याल है आप तो बहुत प्लेइंग ग्राउंड सेट है लोगों के पास जस्ट थोड़ी सी रिसर्च करनी आनी चाहिए मेरा ख्याल है तो सक्सेसफुल हो सकता है राइट थैंक यू सो मच मोहसिन थैंक यू फॉर द शो दो लव इट एंड थैंक यू फॉर गॉचिंग दिस अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर हम बात करते हैं इफ़ यू नीड एनी एडवाइस इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम पीपल हु आर लाइक माइंडेड वी डिस्कस नेक्स्ट एपिसोड आइडियाज हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपकी कोई थाट्स हैं कोई कामेंट्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट पीडियो में इनकॉर्पोरेट करें तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं हम एक नया सेटअप ट्राई कर रहे हैं जस्ट ऑल्सो टेल्स अबाउट दिस कि ये नया सेटअप पिछले से बेहतर है नहीं है कैसा है हाउ डू यू लाइक दिस एंड विद डैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इनशाला उसमें मिलते हैं अल्लाह हाफ